चलो तो तुम लोगों की डिमांड थी मैं ढेर सारे केमिकल को मिलाकर एक खतरनाक दिवाली पटाखा बनाऊं, कुछ इस तरह का, इतना बड़ा। हाँ लेकिन शायद तुम्हें ना पता हो, आग को बुझाने के लिए हम जिस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं हम उसकी मदद से भी दिवाली पटाखा बना सकते हैं। बी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर पोटेशियम कार्बोनेट होता है और इसके अंदर अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर को 1:3:1.5 के रेशियो में मिक्स करते हैं तो एक कमाल की चीज बनती है। अब बस हमें इस चम्मच और इस केमिकल की जरूरत है। चम्मच के ऊपर ये मिक्सर डालने के बाद गैस टॉर्च की मदद से हमें इसे गर्म करना है और कुछ ही सेकंड में बूम, ये कमाल का था। हाँ अब हमें इस जादुई छड़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रुई अपने आप में एक जादू है। बस इसमें हल्की सी आग लगाओ और छुम अंतर, ये सब नाइट्रोसेलुलोस का खेल है। लेकिन मैं सोच रहा था कि ना इस टी शर्ट को ही नाइट्रोसेलुलोस बनाकर एक सेकंड में छुम अंतर कर दिया जाए। उसके लिए हमें 100% कॉटन चाहिए। अब इक्वल अमाउंट में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड को अच्छी तरह से मिक्स करना है एक ठंडी जगह पर और अब उसके अंदर डालनी है कॉटन वाली चीज। अब सिटी यार धुआं जली पानी ला, टी शर्ट का कुछ ऐसा हाल था। मुझे लगा ये हमारी गलती थी, हमने एक बार और ट्राई किया लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब अगर इन्हें जलाते हैं तो हाँ पहले से तो ये तेज जलती है लेकिन ये 100% कॉटन से नहीं बनी थी, शायद इसलिए ऐसा हुआ। क्या तुम्हें बायोडीजल के बारे में पता है? इसे एल्गी से भी बना सकते हैं लेकिन हम जहाँ से एल्गी लाते थे वहाँ पर सारी एल्गी खत्म हो चुकी थी तो हमने डिसाइड किया हम एल्गी घर पर ही बनाएंगे। हमने पानी के अंदर थोड़ी सी एल्गी डाली और इस जुगाड़ की मदद से लगभग 2 हफ्ते बाद हमें ढेर सारी एल्गी मिल चुकी थी। अब इस एल्गी को मिक्सी के अंदर अच्छी तरह से पीसना है और इसके अंदर डालना है ये हेक्सेन नाम का केमिकल, साथ ही साथ मिथेनॉल और कास्टिक सोडा को मिलाकर भी इसके अंदर डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। लगभग एक दिन के बाद हमें हमारा बायोडीजल मिल जाएगा। ये जो सबसे ऊपर येलो इस कलर की लेयर है यही तो है बायोडीजल। अब इसको सावधानी से इकट्ठा करना है। अब टाइम है इसकी टेस्टिंग का, ये काम करता है या फिर नहीं। ये काम करता है, अगर इसको और रिफाइन किया जाए तो इसे कार इंजन में भी यूज कर सकते हैं। अभी तुम साइंस का जादू देखने वाले हो। ये सभी केमिकल एकदम नॉर्मल से है लेकिन इनके अंदर अब कुछ केमिकल ऐड किए जाएंगे। ये कमाल है टाइट्रेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेकिन केमिकल के अंदर अगर हम एक गलत चीज डाल दे तो शायद वो बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिकल से पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है और क्लासरूम में तो शायद अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूँ क्यों ना तुम फिलो ऐप को यूज करो। यहाँ पर तुम इंडिया के बेहतरीन से बेहतरीन टीचर के साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हो 1-on-1, जिससे कि तुम उनके साथ एकदम प्राइवेट क्लास की तरह पढ़ सको अपनी स्पीड पर और जितना तुम चाहो उतने क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिलो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, फटाफट से जाकर डाउनलोड करो और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करो।